विद्यार्थी मित्रों हेप्पी न्यू ईयर। आज आप दिवाली सत्र पूरु थयु, हवे आपणे बीजा सत्र नी अंदर पाठ नौ हिंदी में कैसा सोर एना विषे आपणे भणीशुं। कैसा सोर एटले आ पाठ नी अंदर बधी शाकभाजीओनी वात करवामां आवी छे। बधी शाकभाजीओ भेगी थई छे अने एकबीजानी वात खेंचे छे अने खेंचन पट्टी आनी अंदर वात करवामां आवी छे। शाकभाजी बधी भेगी थई छे एटले खेतर नी अंदर एकबीजा सामे लड़ा लड़ी करे छे। एम के छे बधी शाकभाजी एवं कहे कि हूँ आ शाक नो राजा छु। रींगण एवं कहे कि हूँ आ शाक नो राजा छु। बटाको एवं कहे कि हूँ आ शाक महासरताज ने सरताज एटले राजा एटले हूँ आ बधा शाको नी अंदर महत्व राज चाले छे। तो आपणे मित्रों आ शाकभाजी विषे नी वात छे, तो आपणे आ पाठ नी अंदर एना विषे आपणे भणवानुं छे। बधा ज हिंदी नी चोपड़ी बहार काढशे। पाठ नौ छे कैसा सोर। पाठ नु नाम જ છે કે કેસા સોર એટલે કેવો અવાજ। તમારા ઘરમાં બધા ભેગા થાવ છો, બધા છોકરાઓ બધા વેકેશન માં છો, તો તમે બધા ભેગા થયા હશો, તમારા માસીના મામાના છોકરાઓ બધા ભેગા થયા હશો અને તમે અંદર અવાજ કરતા હોય એટલે ભેગા થાવ એટલે બધા અવાજ કરે છે। એ જ રીતના ખેતર ની અંદર પણ શાકભાજીઓ બધી ભેગી થાય છે અને એને ઉપરની નગજગ એટલે આવી રીતના અવાજ થાય છે કે બધી શાકભાજીઓમાં કોણ મોટું છે। તો બટાકો કે છે કે હું મોટો છું, ફૂલેવાર કે છે હું મોટો છું, એ રીતના આ ચર્ચા આ પાઠની અંદર કરવામાં આવેલી છે। તો મિત્રો આપણે આ પાઠ દ્વારા આગળ ભણીશું। ઇસ ઇકાઈને સંવાદ કે સાથ ચિત્રો દ્વારા સબ્જીઓ કા પરિચય દિયા ગયા હે। ઇસ ઇકાઈ એટલે આ પાઠમાં સંવાદ એટલે એકબીજા સામેનો જે અવાજનો જે આપલે હોય છે એને શું કહેવાય, વાતચીત કરે છે એને શું કહેવાય, સંવાદ કહેવાય છે। એના દ્વારા આ પાઠની અંદર અલગ અલગ શાકભાજીઓને સંવાદ આપવામાં આવ્યો છે। તેમાં સબ્જી એટલે સબ્જીઓ એટલે શાકભાજી, પરિચય એટલે શાકભાજીનો પરિચય। આ પાઠમાં શાકભાજીના પરિચય વિશેની વાત કરવામાં આવી છે। તો આપણે આ પાઠની અંદર આપણે આગળ વધીશું। બિરજુ ચાચા ને અપને ખેત મેં સબ્જીયા બોઈ થી। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। किसने बोई थी, तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। सब्जियां एटले शाकभाजी। बिरजू चाचा ने बिरजू काकाए पोताना खेतर नी अंदर शाकभाजी वावी हती। बोई थी एटले वावी हती। तमे कोई खेतर में जाओ तो त्यां आगळ तमे देखता हशो कि खेतर नी अंदर शाकभाजी अने अनाज पण वावामां आवे छे। एटले अहींया आ पाठमां कह्युं छे કે એક બિરજુ ચાચા હતા, બિરજુ કાકા એમને એમના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી। બિરજુ ચાચાને અપને ખેત મેં સબ્જિયા બોઈ થી। બિરજુ ચાચા એટલે આ ખેતરના જે માલિક છે એમનું નામ શું છે, બિરજુ ચાચા છે। દોપહર કા સમય થા યાને કે બહોત છા ધૂપ હો રહી થી ઓર છાંવ મેં ધૂપ કે દોપહર કે સમય મેં બિરજુ ચાચા खेत में पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे और उसको नींद आ गई। खेत में बिरजू चाचा गए थे, वहां खेत में अलग अलग सब्जियां उन्होंने बोई थी। दोपहर का समय था इसलिए बिरजू चाचा को पेड़ के नीचे आराम से लेट गए, यानी कि थोड़ी नींद आ गई उसको। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। अब बिरजू चाचा पेड़ के नीचे सो गए थे, तभी सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। इकट्ठी यानी भेगी गई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। आप ये सभी एटले खेलते खेलते ખેલતે ખેલતે એટલે તમે બધા ઘરમાં ક્યાં રમો છો, તમારા મિત્રો સાથે રમતા રમતા તમે ક્યાં ઝઘડી પડો છો, એ રીતના યહાં પર સભી સબ્જીઓ કી બાત કી ગઈ હૈ। સભી સબ્જી આપસ મેં નોકઝોક કરને લગી। મેં સબ સબ્જીઓ મેં સરતા છું, સભી સબ્જીઓ મેરે બિના અધૂરી હૈ। બચ્ચો બુઢ઼ો કો મેં બહુત ભાતા હું। चाट चिप्स टिक्किया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। शकरकंद
ने कहा, मैं उनका मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर ने उछल कर बाहर से आकर कहा, जो मटर है उन्हें मटर है यानी कि मटर यानी वटाणा एनी अंदर थी जो पी हटा उछली ने बाहर आया ने कहने पर कहने लगे कि हमें भूल गए, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी बाजार में सभी सब्जियां हमको मिलती है, मटर मटर सबको अच्छी लगती है। तो मटर ने कहा कि मैं भी सभी सब्जियों का सरताज हूँ, और उसने उछल कर कहा कि मुझे भूल गए, मैं सभी सब्जियां यानी बटर पुलाव चटपटी सभी और कचौरी कचौरी भी मुझसे बनती है। उसी समय दूधी और गाजर कूद पड़े, रायता कोफ्ते हलवा और हमारे बिना कैसे हो सकते हैं। उसी समय जो गाजर और दूधी उछल कर कूद पड़े और कहते हैं कि मेरे सिवा रायता कैसे बन सकता है और मुझे भूल गए, ऐसे वो दोनों ही लड़ने लगे। दूधी बोले, गाजर ने बात करते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। गाजर ने बात करते हुए कहा कि मेरा भी हलवा बनता है। और दूधी बोली कि मेरा भी हलवा बनता है, मेरा रूप रंग देखो। गाजर ने कहा, मेरा रूप रंग देखो, कितना सुंदर लाल रंग है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अभी गाजर हम बाजार में जाते हैं तो गाजर बहुत सारे मिलते हैं वहाँ पे। तो गाजर हम घर लाके तुम्हारी मम्मी बनाती है ना गाजर का हलवा, तो वो कैसा स्वाद में लगता है, मीठा लगता है और उसको सुनते ही अपने मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, गाजर खाने से लोगों स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी यानी जो गोभी चेने से कहवाए बंद गोभी यानी गोभी पत्ता गोभी ने से कहवाए बंद गोभी कहवाए, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी कहे मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। सब्जी में तो मेरा उपयोग होता ही है, लेकिन कचुम्बर में भी मेरा उपयोग होता है। मिर्ची पीछे 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 क्यों रहे, इसमें मिर्ची भी आगे आ गई और कहती है कि मैं क्यों पीछे रहूं। तो यहाँ पर आप इतना ही पाठ पढ़ेंगे भाग वन में, और भाग टू का आप भाग टू में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम ये शब्द यहाँ पे थोड़े समझिए। अनूठा याने उत्तम, काफी याने पर्याप्त, जो आरोग्य बुखार याने ताव, तमे ताव एनु शू कहेवाय हिंदी में ज्वर कहेवाय। दोपहर याने मध्याह्न, एटले बपोरनो समय होय एनु शू कहेवाय दोपहर याने मध्याह्न। सरताज याने सर्वश्रेष्ठ, बधी वस्तु ધારો કે કોઈ શાકભાજીઓની વાત કરવામાં આવી છે અહીંયા, તો બધી શાકભાજીઓ શેના માટે લડે છે, તો પોતે સર્વશ્રેષ્ઠ છે એના માટે લડે છે, તો એને શું કહેવાય સરતા જાણે સર્વશ્રેષ્ઠ। સમાન જાણે માન, સમાન એને આપણે ઘરમાં કોઈ મળી હોય ને આપણે સન્માન આપીએ છીએ ને એ સન્માન એને શું થાય એને માન થાય। હવે મુહાવરે એટલે તમને ખબર જશે શું હોય, રૂઢિ પ્રયોગ। ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ આપણે એને રૂઢિ પ્રયોગ કહીએ છીએ, અને હિન્દીમાં શું કહીએ છીએ મુહાવરે કહીએ છીએ। પહેલું છે નોક જોક કરના યાને ઉગ્ર ચર્ચા કરના, નોક જોક કરના એટલે આ પાઠની અંદર શાકભાજીની વાત કરવામાં આવી છે એટલે એના લગતી આ મુહાવરો અંદર આપવામાં આવ્યો છે। નોક જોક યાને ઉગ્ર ચર્ચા કરના, મુંહ મેં પાણી આના ને ખાને કી ઈચ્છા હોના। આપણે કોઈ બજારમાં ગયા હોય ફરવા માટે તો એમ કહીએ છીએ કે મને મારી પાણીપુરી ખાવી છે, તો એ સાંભળીને આપણા મોઢામાં કેવું પાણી આવી જાય છે ને, તો એના જેવું છે કે મુંહ મેં પાણી આના તો ખાને કી ઈચ્છા હોના। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આપણે ભાગ એક અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, બાકીનો પાઠ આપણે આવતા વિડીયોમાં ભણીશું। થેન્ક યુ।